श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बेलपत्र तोड़कर शंकर भगवान को चढ़ाओ मना नहीं है, पर एक प्रयास अपनी जिंदगी में जरूर करना कि बेलपत्र चढ़ाने का यदि आपको शौक है तो जीवन में एक बेलपत्री का वृक्ष भी लगाने का शौक रखिए, जिससे वो बेलपत्र का वृक्ष बड़ा हो। और बेलपत्र का वृक्ष जब बड़ा होगा, आप संसार में हैं नहीं है, हम संसार में हैं नहीं है, पर यदि बेलपत्री का वृक्ष रहेगा, आपके द्वारा लगा हुआ वृक्ष रहेगा, उसमें से कोई बेलपत्र तोड़ तोड़ कर जब वो बड़ा हो जाएगा, उसमें से बेलपत्र तोड़कर कोई शंकर भगवान को चढ़ाएगा, तो जिसने बेलपत्री का पौधा लगाया है, उस बेलपत्र चढ़ाने का फल उसके भी खाते में चला जाएगा और उसकी भी जिंदगी संवर जाएगी। इसलिए बेलपत्र चढ़ाओ मना नहीं है, पर बेलपत्र का एक पौधा अपने बगीचे में, आसपास में, मोहल्ले में, जहां तुम्हें मौका मिल जाए वहां जरूर अवश्य। शिव को समर्पित अवश्य भगवान शंकर को बेलपत्र का, तो बल्ली देवी को नहीं मालूम था कि बेलपत्र का पौधा कौन सा होता, बल्ली देवी को नहीं मालूम था कि बेलपत्र कैसा होता है। बल्ली देवी आदिवासियों में, आदिवासियों राजा की पुत्री थी, गई पेड़ की पत्तियां तोड़ ली, वृक्ष की पत्तियां लाई, शंकर भगवान को समर्पित कर, फिर गई फिर पत्तियां तोड़ के लाई, शंकर भगवान को समर्पित कर, फिर गई फिर तोड़ कर लाई, शंकर भगवान को समर्पित कर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।